भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संविधान में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार देने वाले अनुच्छेद 30 के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्वागत करता हूं लेट्स फोकस की इस खास रिपोर्ट में। भाजपा नेता ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि इस अनुच्छेद ने समानता के अधिकार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। विजयवर्गीय ने कहा, देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यह अल्पसंख्यकों को धार्मिक विचार और प्रचार तथा धर्म शिक्षा की इजाजत देता है जो दूसरे धर्मों को हासिल नहीं है। जब हमारा देश धर्म निरपेक्षता का हिमायती है तो इस अनुच्छेद की क्या जरूरत है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद देश में नई बहस छिड़ने के आसार बन गए हैं। बीते दिनों केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था, जिसे लेकर विपक्ष ने काफी हमला बोला था। आपको बताते हैं कि क्या है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार शैक्षिक संस्थानों को मदद देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। धार्मिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जाति अल्पसंख्यक देश के धर्म निरपेक्ष मूल्यों की आधारशिला है। वहीं विजयवर्गीय के ट्वीट पर शिरोमणि अकाली दल ने आपत्ति जताई है। शिरोमणि अकाली दल के मुख्य प्रवक्ता हरचरण बैस ने कहा कि शियद की स्थापना की अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हुई है। अल्पसंख्यक देश के प्रमुख अंग हैं और अंग कमजोर करने से भी देश कमजोर होगा। अनुच्छेद 30 को खत्म करने से अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी, क्योंकि ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल का मानना है कि अल्पसंख्यक संस्थाएं अनुच्छेद 30 के तहत मिले अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। इसकी समीक्षा की जाने की जरूरत है। इस संबंध में कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। मालूम हो कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के 7,000 में से 2,500 मदरसों को अनुदान देती है। अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा, शैक्षणिक संवर्ग का वेतन, संस्था के संचालन का खर्च अनुदान के जरिए ही मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे। टिल देन लेट्स फोकस।